नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे और लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से लगातार पहुंच रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ग्रेजुएटी को लेकर बहुत अच्छी खबर आ रही है और बहुत ही अच्छी अपडेट है। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी 1 साल 2 साल अपनी सेवा दे चुके हैं, नियोजित शिक्षक, उन्हें अब ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा और ये लाभ लगभग 4.5 लाख रुपये तक का है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन में लिखा हुआ है कि निजी स्कूलों को पूर्व प्रभाव से शिक्षकों को ग्रेजुएटी लाभ देने का आदेश। आप देख सकते हैं, ग्रेजुएटी जो लाभ है उसे देने पे सुप्रीम कोर्ट की सहमति बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेजुएटी लाभ का भुगतान संशोधन कानून 2009 के प्रावधानों को पूर्व तिथि से लागू करने का ठहराया है वैध। लिखा है कि निजी स्कूलों की याचिकाओं को खारिज 6 हफ्ते में शिक्षकों को ब्याज सहित ग्रेजुएटी का भुगतान करने का दिया आदेश। आप देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट जो है ग्रेजुएटी का लाभ देने जा रही है और बड़ी अपडेट जो है वो सामने उभर के आ रही है। स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि देश भर के गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूलों के शिक्षकों को ग्रेजुएटी का लाभ देने का कानून पूर्व प्रभाव से लागू करने यानी मुहर लगा दी है। स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, स्पष्ट रूप से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की याचिकाएं खारिज करते हुए ग्रेजुएटी का भुगतान संशोधन कानून 2009 के प्रावधानों को पूर्व तिथि यानी अप्रैल 1997 से लागू करने को वैध ठहराया है। कोर्ट ने याचिकाएं खारिज करते हुए स्कूलों को आदेश दिया है कि 6 सप्ताह के भीतर कानून के मुताबिक शिक्षकों को ब्याज सहित दे सकते हैं। स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है, ग्रेजुएटी का जो लाभ है वो देने की बात जो है कही जा रही है और कहा है कि ब्याज सहित जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर अब देश भर के गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों पर होगा। शिक्षकों को ग्रेजुएटी कानून का लाभ 3 अप्रैल देख सकते हैं, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है, 1997 की तिथि से मिलेगा। जो भी हमारे पुराने शिक्षक हैं उनको ये बात तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूँ कि भाई बहुत अच्छी खबर है। जो ग्रेजुएटी का लाभ है उसे लेकर जो है अच्छी अपडेट आ रही है और कहा जा रहा है जो ग्रेजुएटी का लाभ है वो मिलेगा। आगे देखते हैं, शिक्षकों के हक में यह अहम फैसला जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ में निजी स्कूलों के संघ और स्कूलों के देखते हैं दाखिल याचिकाओं को खारिज करते हुए 29 अगस्त को दिया। लिखा है कि इंडिपेंडेंट स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया और बहुत से अन्य निजी स्कूलों में याचिकाएं दाखिल कर कानून को सही ठहराने वाले देश के विभिन्न हाई कोर्टों जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, अब स्पष्ट रूप से ये बात जो है वो कही जा रही है कि भाई कहीं ना कहीं 1997 से जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें ग्रेजुएटी का लाभ जो है दिया जाएगा। ऐसे बहुत से शिक्षक होंगे जो नौकरी छोड़ चुके होंगे या रिटायर हो गए होंगे, उन्हें जो है कहा जा रहा है ग्रेजुएटी का लाभ जो है वो दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी खबर जो है सामने उभर के आ रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ लिखा है। देखिए, ग्रेजुएटी के लाभ को लेकर फिर से यहाँ पे अपडेट आ रही है, अभी से स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ग्रेजुएटी का लाभ बिहार के नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा। आप देख सकते हैं, नियोजित शिक्षकों के लिए भी बहुत अच्छी खबर आ रही है कि भाई उन्हें भी ग्रेजुएटी का लाभ जो है वो दिया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का लाभ देने के लिए न्यू लेबर कोड लागू करने का ऐलान भी जो है वो कर दिया गया है। न्यू लेबर कोड के अकॉर्डिंग बात कही जा रही है लागू करने का दिया है। अब सभी कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का जो लाभ है वो दिया जाएगा। और देख सकते हैं, अब सभी कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। बिहार में लगभग देख सकते हैं लिखा है कि 4 लाख नियोजित शिक्षक पदस्थापित हैं बिहार में, के मंत्री ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को भी ग्रेजुएटी का लाभ जो है वो मिलेगा। आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से बात जो है सामने ऊपर के आ रही है। आपको बता दीजिए कि नए लेबर कोड के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी, छुट्टी, प्रोविडेंस फंड और ग्रेजुएटी में बदलाव आएगा। इसके तहत काम करने के घंटे और हफ्ते के नियम में भी बदलाव आएगा। आप देख सकते हैं, उसके बाद कर्मचारियों को ग्रेजुएटी के लिए किसी संस्थान में 5 साल लगातार नौकरी की बाध्यता नहीं रहेगी। अब देख सकते हैं, 5 साल नौकरी की बाध्यता भी नहीं रहेगी, उससे पहले आप ग्रेजुएटी का लाभ जो है वो दिया जाएगा। पहले से क्या था कि 5 साल का था। सरकार ने अब इस तरह ऐलान नहीं किया है कि लेकिन एक लेबर कानून लागू होते ही ये नियम जो है वो लागू हो जाएगा, ये बात जो है वो कही जा रही है। कैसे होती है ग्रेजुएटी की गणना? ग्रेजुएटी की गणना एक साधारण नियम के तहत होती है, जिस एम्प्लाई ग्रेजुएटी कानून के तहत कवर किया जाता है तो उसमें उसके 15 दिनों के वेतन को उसके काम करने के साल से गुणा करके ग्रेजुएटी की गणना की जाती है।
रिलेटिविटी की गणना आपको आती है करना। रिलेटिविटी की गणना कैसे करेंगे भाई, एक साधारण नियम के तहत ये होती है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है जिस एम्प्लॉय को ग्रेजुएटी कानून के तहत कवर किया जाता है उसके 15 दिनों के वेतन को, जैसे 15 दिन का वेतन होगा उसके काम करने के साल से गुणा कर देते हैं, कितने एक साल में कितने दिन काम किया है, तो आप ग्रेजुएटी जो है वो निकल जाती है। यहाँ देखिए लिखा है ग्रेजुएटी का फॉर्मूला इस प्रकार है, 15 गुणे अंतिम बेसिक सैलरी इंटू कामकाज के साल आप दे सकते हैं, उससे आप जो ग्रेजुएटी जो है निकाल सकते हैं। और स्पष्ट दे सकते हैं कि एक साल की नौकरी पर ही मिलेगा ग्रेजुएटी का लाभ। लोकसभा में दाखिल ड्राफ्ट कॉपी में दी गई जानकारी के मुताबिक स्पष्ट रूप दे सकते हैं कि भाई आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव भी है, और ऐसे में स्पष्ट रूप से भाई कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि लोकसभा में दाखिल ड्राफ्ट कॉपी में दी गई जानकारी के मुताबिक कोई भी कर्मचारी किसी जगह एक साल नौकरी करता है तो वह ग्रेजुएटी का हकदार हो जाएगा। देख सकते हैं सरकार ने फिक्स्ड टर्न कर्मचारियों यानी अनुबंध पर काम करने वालों, जैसे लिखा है अनुबंध पर काम करने वाले यहाँ पर लिखा है के लिए भी व्यवस्था की है। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी के साथ अनुबंध पर एक वर्ष की निश्चित अवधि के लिए काम करता है तो भी उसे ग्रेजुएटी का जो लाभ है वो मिलेगा। और बहुत अच्छी बात है भाई, ग्रेजुएटी के लाभ को लेकर कहा जा रहा है ग्रेजुएटी का लाभ जो दिया जाएगा। और लिखा है कि अब अगर उसकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है तो 6,000 रुपये डीएनएस अलाउंस के तहत के अलाउंस है, तब उसे ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन 26,000 आ सकते हैं बेसिक यहाँ पर लिखा हुआ है के आधार पे हो जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए ग्रेजुएटी में वर्किंग डे 26 माने जाते हैं, इस हिसाब से हम देखेंगे तो ये लगभग 15,000 के आसपास, यानी कि आप यहाँ देखिए 26,000 है सैलरी, यानी कि 26 यानी कि एक दिन का 1,000 रुपये आ सकते हैं, एक दिन का 1,000 रुपये हो गए, इसे गुणा करके आप जो है ये निकाल सकते हैं। ये जो अपडेट है दोस्तों कहीं ना कहीं, और लगभग 4.5 लाख रुपए तक का दे सकते हैं ग्रेजुएटी का लाभ जो है वो मिलेगा। तो बहुत अच्छी खबर है दोस्तों कहीं ना कहीं न्यूज शिक्षकों के लिए जो निकल के आ रहे हैं, उनके अब ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। और बहुत सारी सुविधाएं देने की बात जो है वो कही जा रही है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी है कि भाई ग्रेजुएटी का लाभ जो है वो शिक्षकों को दिया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब कहीं ना कहीं ये बात सामने आएगी, सुप्रीम कोर्ट ने जो ग्रेजुएटी भुगतान संशोधन कानून 2009 के प्रावधानों को लागू करवाने को सही ठहराया है। देखते हैं क्या कुछ होता है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।